Assalamu alaikum dear student, hope you are fine. Today we are going to study Rockmark English class 1. लेसन नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है हमने फियोनाज ड्राइंग. लास्ट लेक्चर्स में हमने इसकी रीडिंग की है. पेज नंबर 6 की फुल रीडिंग हो चुकी है. इसके डिक्टेशन वर्ड्स हो चुके हैं और साथ में हमने पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर ए पे थे ये 4 क्वेश्चंस, ये हम कर चुके हैं. होप सो कि आपने रीडिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और क्वेश्चन आंसर और डिक्टेशन वर्ड्स को राइट करके इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी होगी. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर. क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करेंगे. कंप्लीट द सेंटेंसेस के जुमले मुकम्मल करें. ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, प्लीज़ स्टैंड ड्राइंग कलरफुल. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने नीचे सेंटेंसेस कंप्लीट करने. फर्स्ट है माई लिटल सिस्टर शोड मी हर डैश. वो जेम्स ने बताया था ना कि माई लिटल सिस्टर, मेरी छोटी बहन ने मुझे दिखाई. क्या दिखाई थी? ड्राइंग. माई लिटल सिस्टर शोड मी हर ड्राइंग, कि मेरी छोटी बहन ने मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई. सेकेंड है हर ड्राइंग वाज वेरी डैश, कि उसकी ड्राइंग बहुत डैश थी. हर ड्राइंग वाज वेरी कलरफुल, बहुत रंगीन थी. मदर एस्क हर टू डैश बाय हर साइड. जब वो अम्मी को दिखाने गई तो अम्मी ने उसे क्या कहा था? मदर एस्क हर टू स्टैंड बाय हर साइड, कि एक तरफ होकर खड़ी हो. फियोना लुक डैश, जब माँ ने कहा कि आपकी ड्राइंग बहुत नाइस है, अच्छी है. फियोना लुक प्लीज्ड, कि फियोना जो है वो खुश नज़र आए. तो ये इन वर्ड्स को यूज़ करके हमने सेंटेंसेस कंप्लीट कर ली. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फर्स्ट फार्म विद द सेकेंड फार्म, के फर्स्ट फार्म को सेकेंड फार्म के साथ मैच करना है. ये एक साइड पे फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड साइड सेकंड फॉर्म. लुक देखना, लुक्ड देखा, एल डब्ल ओ के ई डी लुक्ड. स्पेल यही थे, ई डी का इजाफा होके ये सेकंड फॉर्म बन गया. शो दे दिखाया, शोड दिखाया. ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया. एस कहा गया यका. इस साइड पे भी वैसे हैं, टेल बताना, टोल्ड बताया. प्लीज़ खुश होना, प्लीज्ड खुश हुआ. बाय खरीदना, बॉट खरीदा. कम आना, केम आया. ये हमारी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के साथ मैचिंग हो गई. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग्स, के स्पेलिंग मिसिंग है, आपने कंप्लीट करके जो वर्ड बनता है वो बनाना है. एल आई डबल टी डैश ई, तो एल आई डबल टी एल ई, लिटल छोटी. S dash S T E R S I S T E R sister, बहन. C O N dash U R F U L C O N O U R F U L colorful, रंगीन. D R A dash I N G D R A W I N G drawing. S dash T S E T set, set. P dash N C I L P E N C-I-L, पेंसिल, पेंसिल. ये हमारी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैस्कुलिन ऑफ द फेमिनिन. मुज़क्कर को मुंस के साथ मैच करना है, राइट करना है आपने. ये हमारे पास फेमिनिन है, ये मुंस है, मींस जेंडर होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. तो फीमेल साइड हमें दी गई है, हमने मेल साइड राइट करनी है. शी लड़की के लिए यूज़ होता है, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे के, सॉरी प्रोनाउन है ये. शी लड़की के लिए, ही लड़का प्रोनाउन. मदर माँ, ये फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन होगा फादर अबू. सिस्टर बहन, ब्रदर भाई. क्वीन मलका, किंग बादशाह. एंट आंटी, अंकल अंकल. हर लड़की के लिए यूज होता है, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. हिज लड़के के लिए. वुमेन औरत, मैन मर्द. ग्रैंड मदर दादी अम्मी, ग्रैंड फादर दादा. ये आपके मैस्कुलिन फेमिनिन है. यहाँ तक आपका ये चैप्टर फर्स्ट जो है फियोनाज ड्राइंग, ये कंप्लीट हो चुका है. अब आपने क्या करना है कि इस एक्सरसाइज को, आज के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें हमारे क्या आया था, सेंटेंसेस आए थे कंप्लीट करना, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आई थी, स्पेलिंग कंप्लीट थे और मैस्कुलिन फेमिनिन. इस लेक्चर को आपने बार बार देखना है कि आपको पता चल जाए फॉर्म ऑफ वर्ब्स का और मैस्कुलिन फेमिनिन का. और प्रीवियस लेक्चर्स को भी आपने देख के क्वेश्चन आंसर को बार बार रीड करना है और उन्हें राइट करना है. ओके जी, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.